नमस्कारम रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता संजीव प्रसाद साहू ने खबर दी है कि लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत बालू गांव में ट्रांसफार्मर के निकट का ही 11,000 वोल्ट सप्लाई तार का रात्रि 10 बजे गिरने से आवागमन बाधित है। वहीं यह खतरनाक स्थिति में झूल रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के लापरवाही के कारण लंबे समय से इस तार को सड़क से नहीं हटाया जा सका है। गया है उसको पर सुअर और बकरी भी फंस गया और अभी मिस्त्री नहीं आ रहा है, बुलाना रहा है बनाने के लिए। अब बच्चा उच्चा के डर है, गाय गरु डर है पकड़ने के लिए। यहाँ ट्रांसफार्मर भी है, मैन अथी सुविधा भी ना है चलने के लिए। कब से गिरा है ये? 10 बजे करीब रात के गिरा। मिस्त्री अभी तक आया है ना? कोई गांव के बुलाया नहीं रहा तो फिर कहाँ से आएगा? दिक्कत है, घर भी भीड़ में है, बाल बुतरू चलने फिरने के रास्ता है।